लातेहार जिला के बालूमाथ खलारी मुख्य मार्ग पर स्थित साहू पेट्रोल पंप के पास अपने घर के छत में जमे पानी को हटा रहा युवक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक छत में पानी हटाने के लिए चढ़ा था, इसी क्रम में छत के ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। घायल युवक को ग्रामीणों की सहयोग से बालूमाथ अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। कंडीशन लगभग स्टेबल है और जो प्राथमिक उपचार जो होना चाहिए इमरजेंसी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट वो हो चुका है, लेकिन उसको जो बेहतर इलाज के लिए अभी रिम्स रांची भेज रहे हैं। हम लोग वहाँ पे मतलब कम्प्लेक्स है अपना, कम्प्लेक्स के पास है, वहाँ पे जाने के बाद ऊपर में छत पे काफ़ी पानी जमा हुआ है। हम लोग बोले चल देख लेते हैं, तार बहुत नज़दीक में है, जिसके कारण हम लोग पहले भी बोले थे मुखिया जी के बेटा लोग से तार को वहाँ से हटवा दीजिए। मुखिया जी को ये भी बोला गया था कि आपका तार बाय द वे आप आदमी को दूर की बात है, अगर वहाँ पे 12 चक्के लगेगा, कोई अगर डाला उखा लेता है तो गाड़ी में भी आग लग सकता है। वो तार ना देखते हुए राजू गलती से बाय मिस तार बहुत नज़दीक में था और तार को हम लोग बोले थे हटवाने के लिए, नहीं हटा पाया और तार बाय द वे झटका मारा, झटका मारने का राजू को पूरा टान लिया अपने तरफ, तार को गिरते हुए राजू गिर गया छत से नीचे डायरेक्ट। बिजली विभाग को कॉल किया गया बिजली कटवाने के लिए, लगभग बहुत देरी से कॉल ट्राई किया, बहुत से लोग कॉल ही नहीं उठा रहे थे और इसमें लापरवाही है कि ज़्यादा मुखिया जी का बेटा गया, क्योंकि बार बार बोला कि अभी गया उनके पास बोलने के लिए तो बोलता है कि मेरा भी तो है।